हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये सीरीज है मेरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ट्रिप की, जो मैंने जून 2022 में की थी। हमारी अर्ली मॉर्निंग 5 AM की फ्लाइट थी दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए। ये डायरेक्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जो टर्मिनल 3 से जाती है। हम करीब 2 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे और चेक इन और सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर ही टाइम पास कर रहे थे। वहाँ बहुत सारी शॉपिंग की शॉप्स हैं, हैमलेज है बच्चों के टॉयज़ के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, बट हमने शॉपिंग नहीं की, हमने वहीं टाइम स्पेंड किया। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, हमने फटाफट बोर्ड किया और हम निकल पड़े अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया, मैंने नॉनवेज ऑप्ट किया था, तो इसमें ये पाउच है, इसके अंदर कटलरी है और सैशेज है, सॉल्ट, पेपर, मिल्क पाउडर चाय में डालने के लिए, शुगर, और ये ऑमलेट, बहुत ही अमेजिंग ऑमलेट था, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव ईटन। साथ में हमको थोड़े पोटैटो फ्राइज मिले थे और टमाटो सॉस था, सम होम मेड टमाटो सॉस, योगर्ट मिला था और ये बटर मिला था, जैम मिला था। फूड वॉज ओके, बल्कि ऑमलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक क्रॉसिंग टाइप की ब्रेड थी जो मुझे लगा स्टफ होगी, बट मैंने इसको खोल के चेक किया, ये स्टफ्ड नहीं थी, ये एकदम प्लेन थी। इट्स ओके, ठीक थी, फ्रेश थी, फूड वॉज गुड। पहुँचते ही ना जो हाइट से ऊपर का व्यू होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ब्यूटीफुल होता है। एक्चुअली क्लाउडी था तो कैमरे पे इतना क्लियर नहीं आ पाया, बट ये इतना सुंदर व्यू है। आप कभी भी ट्रैवल करो तो प्लीज़ ऑप्ट करना कि आपको विंडो सीट मिले, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। सुबह 9 बजे हम लैंड कर जाते हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे। हमारी फ्लाइट राइट टाइम थी। एयरपोर्ट डिफेंस के अंदर है, जो नया कमर्शियल एयरपोर्ट है वो पास में ही बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत कम फ्लाइट्स हैं। स्टेयर्स उतर के बस में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल के अंदर आती है। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही टेस्ट कराने की। आपको सिर्फ अपना जो सर्टिफिकेट है दोनों वैक्सीनेशन का वो आपको दिखाना है और आपको स्टैम्प लग जाएगा वैक्सीनेटेड होने का।
और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड है या फिर बच्चे हैं जो उनका ऑफकोर्स अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो उनको आगे ले जाया जाएगा RT-PCR टेस्ट के लिए। आपको RT-PCR रिपोर्ट भी लेके आनी है जो आपके 48 आवर्स के अंदर की हो। उसके अलावा आपका एयरपोर्ट पे भी RT-PCR टेस्ट किया जाता है, उसके लिए थोड़ा एक जगह लेके जाया जाता है जो मैं भी आपको बताऊंगी। मैं वैक्सीनेटेड थी तो मुझे स्टैंप लग गया। मेरी छोटी बेटी वैक्सीनेटेड नहीं थी तो मुझे उसके साथ एक बस में बिठा के पास में एक जगह है वहाँ लेके जाया गया और वहाँ पे उसका RT-PCR टेस्ट है। साइट है ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में, ये हम पहुंच गए RT-PCR टेस्ट जहाँ है वहाँ पे। वहाँ पे फॉर्म फिल कराया है जिसमें डिटेल्स डाली गई, हम कहाँ रुके हैं, कहाँ से आए हैं, एड्रेस वगैरह। वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मेरी बेटी का RT-PCR हुआ कि रिपोर्ट आपको 24 आवर्स में पहुँच जाएंगी, उसके बाद आप फर्दर ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात और है कि मेरे पास रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और मैंने फर्दर ट्रैवल भी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर दिया, हाँ मेरी फैमिली वेट कर रही थी, हमने कैब बुक कर रखी थी, उससे निकल पड़े अपने Airbnb में। मैंने फर्स्ट टाइम Airbnb लिया था, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक प्लीज़ जो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।